नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना वायरस ने जहां चारों तरफ खलबली मचा रखी है, वहीं दुनिया के तमाम देश परेशान हैं। ये परेशानी भारत तक भी पहुंच गई। भारत दिव्य और देवताओं की भूमि है, परंतु पिछले कई दिनों से जिंदगी यहां भी रुकी हुई है। हालांकि जनसंख्या के मामले में इतना बड़ा देश होते हुए कोरोना अपने पाँव यहाँ नहीं पसार पाया। कोरोना के पॉजिटिव केस कुछ मिले जरूर हैं, परंतु सरकार की दक्ष नीति और सूझबूझ से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। इससे संक्रमण अधिक नहीं फैला। शहर से लेकर के गांव तक लोग सहयोग कर रहे हैं। बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ कल कारखाने भी बंद हैं। उन काम में बीच में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मानव जिंदगी थम चुकी है। पास में पैसा नहीं है, भविष्य की भी चिंता है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका भी पता नहीं है। माँ बाप, पत्नी और बच्चे घर पर चिंतित हैं। इसी के कारण पिछले दो दिनों से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लाखों प्रवासी भारतीय इकट्ठे हो गए। ये अलग अलग प्रांतों और जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं। लॉकडाउन के नियम यहाँ पर धत्ता नजर आ रहे हैं। इनको घर भेजने के लिए राजनेताओं में मानो होड़ मच चुकी है, परंतु इनका इतनी संख्या में इकट्ठा होना आने वाले बड़े खतरे से पहले की चेतावनी है। ये भूखे प्यासे हैं और इनके साथ बच्चे भी हैं। स्थिति अपने आप में वाकई ही भयावह है। इतने सारे इकट्ठे लोगों को संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस मुश्किल की घड़ी में समाज सेवी लोग और संस्थाओं ने इन्हें भोजन और पानी मुहैया जरूर करवाया है, लेकिन ये घर पर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? जहां काम करते थे वहां पर बकाया वेतन की कुछ राशि छोड़कर आए हैं। 3 महीने आगे तक लॉकडाउन बताया जा रहा है, यानी फिलहाल कोई काम नहीं। भविष्य में भी मिलेगा या नहीं, इसकी भी फिलहाल कोई आस नहीं है। हर रोज कमाना और घर भेजना, घर में तभी इनके बच्चे 2 जून की रोटी खा पाते हैं। मुसीबत केवल यहीं तक नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हैं। घर पहुंचने के लिए भारी भरकम किराया भी चाहिए और मुनाफा कोरों से भी सामना करना पड़ेगा। इनमें से कुछ का कहना है कि सरकार से उम्मीद है कि इन्हें घर सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। देखने पर लाइन से यहाँ से मुझे यार।